स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वेरी गुड वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, यू आर प्राउड ऑफ मी ऑल्सो ना? क्यों, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सर, मेरा मतलब है यू विल बी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। मैं भी रोबोट बना के लाऊंगा। पापा पापा, प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है, किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। मोना, देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। वीर, ये लो, कुछ प्लेट्स और कटोरियां हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू दादाजी, ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। वीर, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं जादू से बना देता हूँ, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। देखो, गाजर से बना एक शुद्ध देसी रोबोट। इसके फीचर्स बाद में बताता हूँ, पहले इसके काम देख लो। ये तो बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा बनाओ तो मजा आएगा। ये लो, बड़ा बन गया, अब आएगा मजा। मेरा रोबोट खा लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीर, बचाओ, देखो चिंटू ने मेरा ही रोबोट बना दिया। वीर, मम्मे, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए, तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना। ये कहां से आ गया? पता नहीं। मोर डांस करता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ इमली, लेकिन सामने वाली छत पे जो खड़ा है उसे शायद मोर सुंदर नहीं लग रहा। अंकल अंकल, देखो मेरा निशाना ठीक उस मोर पे ही लगेगा। हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल बेकार है। बंटी, किसी भी बर्ड को मारना अच्छी बात नहीं है, और पीकॉक तो हमारी नेशनल बर्ड है, इसे मारा तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। अंकल, आप तो बड़े हो, आप ही समझाओ ना बंटी को। बंटी, चलो नीचे, हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन पकड़ के अपने फार्म हाउस ले जाएंगे, वहाँ इसे पिंजरे में बंद कर देंगे। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। पीकॉक ट्रांसलेटर ऑन। ये क्या है? अब मोर को हमारी और हमें मोर की बात समझ में आएगी। देखो, वो डरा हुआ लग रहा है। हेलो दोस्त, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पंख में चोट लग गई है, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पा रहा, इसी वजह से तुम्हारे छत पर उतरना पड़ा। मैं इमली हूँ, ये है वीर और ये हमारा दोस्त चिल्बुल। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी चोट में दवा लगा के ठीक कर देंगे।
जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी अपने शिकारी अंकल के साथ हमारे मोर को पकड़ने आ रहा है। चलो मोर को लेकर अंदर जाते हैं। मोर को क्यों अंदर ले जाएं? ये हमारी छत है, जो आ रहे हैं उनको ही वापस भेज दो। ये क्या कर रहे हो? उनको चोट लग। वीर हमें भी कोई स्टोरी बुक दो ना, मैं स्टोरी पढ़ के चुलबुल को सुनाऊंगा। हाँ वीर, तुम तो होमवर्क करने में बिजी हो, हम बैठ के यहाँ बोर हो रहे हैं। ओके चिंटू, ये लो ये स्टोरी बुक, तुम पढ़ के चुलबुल को सुनाओ, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे डायनासोर थे, वो सब एक हिरन के पीछे पड़े हुए थे। डायनासोर कैसे होते हैं? जरा तस्वीर तो दिखाओ, मैंने डायनासोर कभी नहीं देखे। इस बुक में सिर्फ स्टोरी है, कोई फोटो नहीं है। फोटो होती तो स्टोरी का और मजा आता। ठीक है, मैं इसमें स्टोरी के हिसाब से चलती फिरती तस्वीरें भी डाल देता हूँ, हमें एक फिल्म जैसा मजा आएगा। चलती फिरती तस्वीरें, वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। हे वीर, देखो देखो हिरन। ये कहाँ से आ गया? How cute, कितना प्यारा है। चिंटू ये क्या कर दिया तुमने? वो देखो हिरन टेबल के नीचे छुपा है, ना डरा हुआ है। हिरन दोस्त अंदर जाओ, तुम्हारी जगह अंदर है, बाहर नहीं। जल्दी जादू से उन्हें वापस बुलाओ। अभी लो। वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए उनपे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बुक को जिस किसी भी डायनासोर के चेहरे के सामने करेंगे और जब वो ये बुक देखेगा तो फौरन इसके अंदर चला जाएगा। तो फिर जल्दी चलो। इमली अंदर ही रहना, मैं और जिंटू अभी वापस आते हैं। अरे ये फुर्सतगंज में डायनासोर कहाँ से आ गए? टिम्बकटू, तुम्हें क्या लगता है मैं वीर को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? बॉस, सुपर डुपर जीनियस, आप वीर को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर दोगे। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन वो एक दिन आएगा कब बॉस? वीर को पकड़ने की चाह में तो आप बूढ़े हो गए बॉस, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब उसे खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म नहीं हो जाना बॉस। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। तुमने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये है मेरा नया रोबोट डार्क मैग्नस। आज की रात फुर्सतगंज के लिए काली रात होगी और मेरा डार्क मैग्नस रोबोट फुर्सतगंज में अंधकार फैला देगा और उस अंधकार में वीर का विनाश होगा। विनाश, ये डार्क मैग्नस। बॉस कह रहे हैं तुम फुर्सतगंज में अंधकार फैला दोगे। जरा एक सैंपल तो दिखाओ। स्टॉप इट, स्टॉप इट।
मेरे एक्सपेरिमेंट्स की सारी मशीन खराब हो जाएंगी। टिम्बकटू, कभी तोकले से काम लिया करो। आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ इमली, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों बल्ब जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। बीबी, वो कौन था जो ऊपर से हंसता हुआ उड़ के गया और अंधेरा फैला के चला गया? वीर, तुम्हारे यहाँ बिजली है? नहीं आंटी, अभी अभी अंधेरा हो गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। जो बिजली चली गई है ये रख लो। अरे वीर कहाँ है? वो चेक करने गया है कि बिजली क्यों गई है। पूरे फुर्सतगंज की बिजली गई है। दादाजी, एक काला साया उड़ता हुआ गया है। वो हंस रहा था और उसके जाते ही बिजली जैसे उसके बदन में सक हो गई। काला साया जो बिजली सक कर रहा है, जरूर मैड मैक्स की कारस्तानी है। वीर को होशियार रहना होगा। रोबो बॉय, ये अंधेरा कैसे हो गया?